नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके एसएससी पेपर लीक प्रकरण और अन्य भर्तियों में गड़बड़ी के मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसटीएफ और विजिलेंस की टीम लगातार जाँच कर रही है। अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए एक ऐसी नजीर पेश करेगी जिससे आने वाले समय में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। जवान हैं, युवा हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है, रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जहां पर भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है हमने उसकी जांच के सख्त आदेश दिए हैं। एसटीएफ को उसके लिए नियुक्त किया है, कुछ मामलों में हमने विजिलेंस को नियुक्त किया है। सभी पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये आप सबके सामने आ भी रहा है कि 25 गिरफ्तारियाँ अभी तक हो गई हैं और कोई भी इसमें छूटने वाला नहीं है। चाहे किसी के हाथ कितने लंबे क्यों न हो, कानून अपना काम करेगा, जांच उस तक पहुंचेगी। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता अनिल चौहान जुड़ गए हैं। अनिल, सीएम धामी ने पेपर लीक प्रकरण और अन्य भर्तियों में गड़बड़ी के मामले को गंभीर बताया। इस मामले को लेकर क्या कुछ अभी तस्वीरें देखने को मिल रही है और किस तरह का विरोध, और साथ ही बताइए किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? जी जी ऋतु, अभी यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे अहम मुद्दा यही छाया हुआ है। इस समय पर जितनी भी उत्तराखंड जब से बना है तब से अभी तक की जितनी भर्तियां हुई है सब पर तलवार लटक चुकी है और इस मामले में मुख्यमंत्री ने बड़ा सख्त रुख अपनाते हुए ये निर्णय लिया है कि जितनी भी आयोग के द्वारा या अन्य विधानसभा में जितनी भी भर्तियां हुई है सभी को जांच के दायरे में लाया जाएगा और जिनके प्रति सरकार पूरा सहयोग करेगी, जिसमें से कुछ विभागों की डीएफ विजिलेंस को भी नियुक्त किया गया है, कुछ भर्तियों के लिए आपका एसटीएफ को नियुक्त किया गया है और आने वाले समय में अभी जो विधानसभा की भर्तियों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष अभी आउट ऑफ इंडिया हैं, वो संभवतः आज आ जाएंगी। उसी के लिए उन्होंने कहा हम विधानसभा अध्यक्ष से भी जो है इस विषय में विनती करेंगे ताकि इस जांच को भी जितने भी कालखंड है हुए हैं उनको भी दोबारा से जांच कराया जाए, उसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी। जी बिल्कुल अनिल, साथ ही अगर बात करें प्रतिक्रियाओं की तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह की देखने को मिल रही हैं? राजनीतिक प्रतिक्रिया ये है, इससे बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार के समय भी विधानसभा में 158 नियुक्तियां की गई थी। उस समय पर विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल जी, तो कुंजवाल जी ने भी यही कहा है, उन्होंने भी अपने स्तर से ही नियुक्तियां दे दी है। सीधा सीधा ये आरोप लगाया जा रहा है कि चिट्ठी ला और नौकरी पा के आधार पर उन्होंने नियुक्तियां दी है, जिसके विषय में कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए है। वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी, जो कि अक्सर जो है मीडिया में सोशल मीडिया में हर मुद्दे पर एक्टिव रहते हैं, वो भी शांत हैं। अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है इस विषय में। जी बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो विधानसभा में नियुक्ति बता दें कि सीएम धामी ने पेपर लीक प्रकरण और अन्य भर्ती जो मामले हैं इसको लेकर सीएम ने गंभीर बताया है और साथ ही मामले में कहा है कि टीमें लगातार काम कर रही हैं। 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार इस तरह से जांच जारी है।